डंडई से संवाददाता बिंदु कुमार की रिपोर्ट। लवाही मुखिया व बीडीसी प्रत्याशी ने श्राद्ध कार्य हेतु एक गरीब परिवार को किया सहयोग। डंडई प्रखंड के लवाही पंचायत के मुखिया बच्चा लाल गुप्ता व बीडीसी प्रत्याशी संदेश कुमार ने रविवार को एक गरीब को श्राद्ध कार्य हेतु खाद सामग्री और नगद राशि देकर सहयोग किया है। इस दौरान मुखिया बच्चा लाल गुप्ता ने बताया कि लवाही कला गाँव के निवासी फुलवंती देवी की आकस्मिक निधन हो गई थी। उसके परिजनों के घर पहुंचकर शोक व्यक्त करते हुए दुख सहने का साहस दिलाया है। ढांढस बंधाते हुए श्राद्ध कार्य हेतु उनके पुत्र नगरेश शाह को खादान सामग्री व नगद पैसा देकर सहयोग किया गया है। बताया कि जानकारी मिली थी कि नगरेश शाह के परिवार में उनकी माता का मृत्यु हो गई है, तो हम लोग इनके घर पहुंचे और शोक व्यक्त किया और उनके परिजनों को दुख सहने का साहस दिलाया है। बीडीसी प्रत्याशी संदेश राम ने बताया कि मृतक का परिवार काफी गरीब असहाय है, इसलिए सहयोग किया गया है। इस मौके पर प्रभु राम, शिवनाथ राम, लालमुनि राम, वीरेंद्र शाह, प्रहलाद शाह, पप्पू यादव, संजय चंद्रवंशी, राम रतन राम, विकास राम इत्यादि लोग उपस्थित थे। बनता है तो एक्चुअली हमारा जो सोच और दिमाग जो है, मेरा सोच है कि बनेंगे तभी, नहीं भी बने हैं तभी, जो हमसे बनेगा, जहाँ तक बनेगा, जो गरीब आदमी है जिसके ऊपर कोई ज़्यादा खिलाफ कोई कर रहा है, ये वो होता है कि इस न्याय से अन्याय कर रहा है, उसी से हम सफल करेंगे और सफल करने के लिए हम प्रतिनिधि जारी किए हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा सोच दूसरा है, हम जीतने के लिए सिर्फ ही करेंगे और जीतने के बाद हम दूसरा चेंज करने के लिए, कभी नहीं हो सकता है। जो रहेगा मेरा प्रक्रिया, जो बनेगा, जो जितना हमसे बनेगा, वो हमेशा जैसे आज हम कर रहे हैं वो हमेशा होता ही रहेगा। जितना बनेगा, जैसे बनेगा, वो बनाते ही रहेगा। इसमें कोई चिंतित नहीं है। देखिए, कहने का मतलब है कि कोई भी गांव समाज में आदमी रहता है, जागरूक आदमी, चाहे किसी को सहयोग करना, दुख के घड़ी में ऐसे लोगों को सहयोग करना चाहिए, जैसे बने, आर्थिक स्थिति से बने या शारीरिक स्थिति से बने, लोगों को सहयोग करना चाहिए। देखिए, जिंदगी में कहीं कुछ नहीं है, इंसान धरती पाया है, एक दिन एक जन्म लिया है, एक दिन उसको जाना ही पड़ेगा, यहाँ कोई रहने नहीं है। इसलिए जैसा मैंने लोगों को मैंने एक विचार को मैंने भावना को मैंने बना कर रखना है और लोगों को सहयोग करना है एक दूसरे को, तब जा करके आगे समाज हमारा आगे की ओर विकास करेगा, चाहे एक दूसरे को लोग सहयोग करेगा। इसमें कोई द्वेष की भावना नहीं है कि लोग मैंने दिखावा में आए, 1500 रुपये दे दिए, लोग व्यंग करते हैं कि देखिए आज वो बात मान लिया है। संदेश राम का जो इतना बड़ा सोच हुआ, अगर ऐसा 10 लेके आगे अगर सोच होगा तो गांव विकास डेवलप करेगा ना जी, सभी को मिला जुला के चलना चाहिए समाज में, कहने का मतलब ये है, सबको एक जब जुट के रहेगा, बहुत एकता में, बहुत दिन है गाँव में विकास होगा ना। संदेश राम का कोई स्वार्थ नहीं है, नहीं कोई स्वार्थ नहीं भैया, स्वार्थ नहीं है, इन स्वार्थ भाव से समाज को सेवा कर रहे हैं, बस सेवा सबको थोड़ा जिसके वही बता रहे हैं। अब ये मृत्यु ही एक सच्चाई है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, हम अगर अमीर हैं, चाहे हम मान लीजिए गाँव समाज में चलने लायक है, चल रहे हैं, हमारा सहयोग करना सबसे बड़ा धर्म है। सभी को समझ लीजिए, अगर हम दूसरा को सहयोग करते हैं तो भगवान भी हमको सहयोग करेगा, अगर हम सहयोग नहीं दूसरा को नहीं करते हैं सर ना, तो हम लोग सहयोग कोई नहीं करेगा, कोई किसी को। आप दूसरा को मत करते हैं तब आपको मत होगा। अब आप किसी को अगर गिराने के लिए चाहते हैं, वो आदमी जिंदगी में कभी उठा है ना, उठ सकता है ना, उठेगा कभी। जो दूसरा का सहयोग करता है, जो आत्मा एकदम साफ करके सोचता है कि अब मान लीजिए आप थोड़ा सा बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा खेल दें तो थोड़ा सा आगे अगर आप बढ़ जाते हैं, उससे बड़ा चीज कोई नहीं होता है। खींचने वाला जो आदमी है ना, जिंदगी भर खींचते रहता है। देखिए, ज्यादातर समाज में यही होता है, अगर जो आदमी आगे बढ़ रहा है ना, उसके पीछे भागता है लोग, उसका देखता है कि इसका कमी निकलता है कि इसका पैर कहाँ से हम खींचे के आदमी, गलत बात है। लेकिन ऐसा समाज में नहीं होना चाहिए, एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए जैसे बने। हाँ जी, गलत चल रहा है। देखिए, इंद्रायन यादव से हम लोग जामन जी बना दिए, अब देखिए एक ही हैं, इनको भी कुछ बनाना है हम लोग, ठीक है, कुछ बना बना देंगे, बना देंगे।
उपस्थित हुए हैं इसमें महादेव साहब की पत्नी, स्वर्गीय महादेव साहब की पत्नी की धर्म पत्नी सुवंती देवी का निधन हो गया है। इस पर समाज सेवी पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि संदेश राम, उन्होंने आज महादेव राम की पत्नी के श्राद्ध कार्य में इन्होंने अपना कुछ सहयोग राशि प्रदान किया है। इसमें ऐसा अगर सहयोग होता रहेगा तो हमारा जो पंचायत, हमारा समाज, हमारा जो भी यहाँ गांव के गणमान्य लोग हैं, इससे हमारे पंचायत का विकास होगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और ये जो संदेश राम जी जो आज सहयोग किए हैं, ये 1500 निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ भाव से 1500 रुपये इन्होंने आज इस श्राद्ध कार्य में इनका सहयोग किया। और हम लोग भी इनसे अपेक्षा करते हैं कि आने वाला समय में इस पर ऐसे प्रतिनिधि बने जो कि गांव का विकास कर सके और हमारे समाज का विकास करें। मैं इन चंद शब्दों के साथ विराम करता हूँ। चलिए अब सुरेंद्र जी कुछ बोलना चाहते हैं। हम तो बोल दिए। वितांश टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।